हेलो फ्रेंड्स, जो आप ये देख रहे हैं भरत की मासी है, इनका है बर्थडे, तो छोटा सा सेलिब्रेशन किया है। तो हम लोग भी आए हैं। तो ये रहा केक और जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर के बलून्स, तो हम लोग लेके आए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे क्लिप छोटी सी दिखानी थी आप सबको। घर पे मैं ये ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सबको कुछ बताना है। ये पहले मेरे बाल देखो, क्या है ये? अच्छा, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आज तनिषा के घर पे क्या कराने आई हूँ। मैं अपने बालों को पैम्पर कराने के लिए आई हूँ। आज मेरा मूड हुआ कि बालों को कुछ कराया जाए। वैसे तो नॉर्मली कलर लगाते हैं हम लोग, आँखें बहुत जल रही हैं, बट आज मैं पहले मुझे तनिषा ने किया ग्लोबल कलर किया, फिर उसके बाद हाइलाइट्स किए, और अभी किया है कैरेटिन। तो कैरेटिन मेरे बालों में लगी हुई, कोई तो क्रीम होती है वो लगी हुई, उससे जलती है आँखें। तनिषा ने बोला उससे आँखें बहुत जलती है, तो अभी मेरी आँखें जल रही है। वो प्रोसेस हो गया। अभी मुझे कुछ देर, कितनी देर तक बैठना पड़ेगा? आधे घंटे के लिए मुझे ऐसे बैठना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं रिमूव नहीं कर रही, क्योंकि पीछे मेरे बालों में क्रीम लगी हुई है। ये क्रीम मेरे बालों में लगी है देखो इसका क्या रीज़न है? हीट मिलेगा। ओह, बालों को हीट मिलेगा तो प्रोसेस जल्दी होगा। मेरे बालों में जो भी होगा, मेरे बाल सॉफ्ट स्मूथ हो जाएंगे और शाइन हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी फ्रिजी बाल हो गए थे मेरे और डल, कुछ कराती नहीं हूँ। तो आज मैंने सब कुछ करवा दिया है। अभी दिन के 2 बजे से मैं यहाँ पे आई हूँ, अभी शाम के 6:15 हैं, और 1.5 घंटा जाएगा ना? 1 घंटा? दो घंटा। ओह माय गॉड, 2 घंटा और जाने वाला है, क्योंकि आधा घंटा मुझे बालों को रखना है। उसके बाद हेयर वॉश नहीं होगा? इसके बाद आई थिंक ब्लो ड्राई करेंगे, फिर उसके बाद आयनिंग करेंगे। ओके, कोल्ड ब्लो ड्रायर करेंगे, उसके बाद आयनिंग करेंगे। आयनिंग बहुत प्रॉपर करनी है, बहुत टाइम लगेगा आयनिंग करने को। उसके बाद मैं अपने बालों का रिजल्ट दिखाऊंगी, मज़ा आ जाएगा। अभी आपको जो भी प्रोसेस है वो दिखाती जाऊंगी। स्टार्ट कर दिया है। अभी पहले प्लास्टिक लगी तो ज़्यादा हीट मिली, तो जल्दी अच्छे से रिजल्ट आ गए मेरे बालों की। फाइनली सब कुछ हो गया। अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, तनिषा बहुत थक गई है, थोड़ी देर रेस्ट करेगी, जो भी होगा वो बाद में आपको दिखाऊंगी। लेकिन मेरी आँखें बहुत जल रही है और काफ़ी खुशबू आ रही है, इसमें से अच्छी खुशबू है, लेकिन आँखें बहुत जल रही है, चॉकलेट की खुशबू आ रही है। राइट, मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगी। ये है कैरेटिन प्रोडक्ट, जिससे हुआ है मेरे बालों का कैरेटिन। जो भी क्रीम लगा वो तो वीडियो के थ्रू आप देखते जाओगे। ये पूरा निकल गया। फैन चल रहा है। एक्चुअली ये लगाने के बाद फ़ैन बंद करना होता है, क्योंकि हीट जितनी जाएगी उतना जल्दी रिजल्ट आएगा, उतनी जल्दी बाल मेरे स्मूथ होंगे। लेकिन 8 बजने वाले और मुझे
बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों में। क्राउन करेगी ना, क्राउन यहाँ तक होने दे फिर। ये भी लास्ट प्रोसेस है अभी आइनिंग का, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बालों की रिजल्ट। दिख रहा, देख तनिषा देख। हाँ, अभी बोल मत सी। फेस पे ग्लो आता है, फेस पे ग्लो आता है ये कलर की वजह से। फेस देख, फेस पे इफेक्ट आ गया है। फाइनली डन 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 डन। कितना टाइम लगा अभी? क्वार्टर टू नाइन। अभी थोड़ा खेलो, नहीं थोड़ी सी खेलो। नहीं तनिषा, ये दीदी ने भेजी है हम लोग को पाव भाजी, लेकिन ये एग्जैक्ट पाव भाजी नहीं है, ये है तुअर की दाल की पाव भाजी जो दीदी बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत यम्मी बनाती है, और भरत को बहुत पसंद है ये पाव भाजी। तो दीदी ने आज भेजी है पाव भाजी, तो दीदी थैंक्स टू दीदी जो आपने भेजी, तो मुझे थोड़ा ये काम कम हुआ, क्योंकि मोस्टली ना गर्मी में ना चपाटी बनाने को बिल्कुल नहीं होता, तो चपाटी नहीं बनानी, पाव भाजी। ये रहा कांदा, मैंने काट दिया है, थोड़ा मैस है किचन, कांदा मैंने काट लिया है, पाव लेके आई हूँ, पाव को अभी सेकने रख दूंगी, तवा गर्म करने रख दिया है, भाजी का गैस अभी मैं ऑन करूंगी। ऑन हो गया, भरत को लगी है भूख, अभी 9:30 है, एक्चुअली लेट हो गया है, 9 बजे खाना खाते हैं, लेकिन कभी कभी चलता है, तो अभी भाजी गर्म करने रख दिए है और पाव को सेकूंगी और खाएंगे। मुझे भी लगी है भूख, जो दिन को खाया था खाना उसके बाद कुछ भी नहीं खाया है, तो अभी हम लोग खाएंगे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तो मे बी मैं यहाँ पे ब्लॉग एंड कर रही हूँ, अगर कुछ हुआ दिखाने को तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं तो ये ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो आप मुझे बताना कमेंट करके मेरे बालों का रंग, जो कलर है, जो हाइलाइट्स है, कैसा लगा। मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ ये कलर से, ये हाइलाइट से, और कैरेटिन से, कैरेटिन जो भी करवाया वो जो आपको दिखाया मैंने, मैं बहुत खुश हूँ। फर्स्ट टाइम करवाया मैंने कैरेटिन, तो मुझे बहुत अच्छी रिजल्ट मिली देखने को। तो ये तो हो गया, अभी वीडियो का यहाँ पे एंड कर रही हूँ, अगर आगे कुछ दिखाने के लिए होगा तो मैं ज़रूर वीडियो दिखाऊंगी, ऐड कर दूंगी, नहीं तो मिलते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं बताऊंगी कि मैंने ये हाइलाइट्स क्यों करा है। तो तब तक के लिए एंजॉय, बी हेल्दी, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी हैप्पी हैप्पी, जैसे आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। एंड थैंक्स टू तनिषा, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, कि जो मुझे जैसे कलर चाहिए था मुझे मिला, जैसे मुझे हाइलाइट्स और कैरेटिन, मज़ा आ गया। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय। मम्मी भी किचन में आ गई क्योंकि डैडी को लगी है भूख, सबको लगी है भूख, अभी पाव सेक के हम लोग सब खाएंगे खाना। रात को हम लोग थोड़ा सा राउंड पे गए जूस पीने के लिए, तो ये गाड़ी का टच स्क्रीन नहीं चल रहा है, तो प्रिंस दिखा रहा है पापा को अपने कि बनवा देना।